नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 125 सीआरपीसी का केस कर दिया है मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए, तो ये आपके लिए एक बड़ी समस्या होती है। और आज मैं आपको इसी समस्या से बचाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 125 सीआरपीसी का केस किया है, आपको उस केस के बारे में सारी चीजें पता रहेगी, प्रोसीडिंग पता रहेंगे, गाइडलाइन पता रहेगा, तो ऐसे में आप अपनी पत्नी के द्वारा किए गए मेंटेनेंस के केस में अपना बचाव कर पाएंगे, पत्नी के झूठे मेंटेनेंस केस को खारिज करा के मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव होता है और सबसे बड़ा हथियार होता है। तो आज हम यही चीज समझेंगे कि 125 सीआरपीसी में कैसे प्रोसीडिंग चलती है, क्या इस पे गाइडलाइन है, क्या क्या चीजें होती हैं इस केस में, क्योंकि जब ये चीज जानेंगे, आप सारी चीजों को समझे रहेंगे, तो मेंटेनेंस देने से भी बच पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज जो भी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सारी जानकारी मेरे द्वारा जो एक किताब लिखी गई है, जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब जैसा इस किताब का नाम ही है, उस किताब का उद्देश्य भी ऐसा ही है। ऐसे पति जो 498 125 सीआरपीसी डाइवोर्स केस, मेंटेनेंस केस या किसी भी मैट्रिमोनियल केस से परेशान हैं, उनके बचाव के लिए, गाइड करने के लिए मेरे द्वारा लिखी गई है। तो उसी किताब का एक चैप्टर है, उसी से मैं आपको ये चीजें बताने वाला हूँ, क्या गाइडलाइन है 125 सीआरपीसी की, क्या प्रोसीडिंग है, सारा कुछ इसी किताब से समझेंगे। तो इस किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 500 रुपए किताब का मूल्य है और 100 रुपए कुरियर का चार्ज है। तो यदि आप किताब को बाय करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर मैसेज करिएगा। तो चलिए अब अपने महत्वपूर्ण टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं कि 125 सीआरपीसी की क्या प्रोसीडिंग है, क्या चलता है इस केस में, ताकि आप सारी चीजों को अच्छे से समझ पाए और केस में अपना बचाव कर पाए। तो देखिए, सबसे पहले जो होता है, वो जो पत्नी होती है, वो अपना प्रार्थना पत्र जो होता है न्यायालय में दाखिल करती है। यानी जो प्रार्थना पत्र पत्नी 125 सीआरपीसी के अंतर्गत बनवाती है अपने वकील के माध्यम से या कोई भी बनाए, उसे कोर्ट में ले जाके जज साहब के सामने सबसे पहले पेश किया जाता है, दाखिल किया जाता है। जब दाखिल कर दिया जाता है, उसके बाद उसी दिन उस पर एडमिशन के लिए एक आर्गूमेंट होता है कि क्या ये बात चलाए जाने योग्य है या नहीं है। उसके बाद देखिए, जब ये बात केस लग जाता है जज साहब को कि ये बात चलाए जाने योग्य है, तो ऐसे में जज साहब जो होते हैं पति को नोटिस कर देते हैं। तो सबसे पहला जो चीज होता है वो होता है कोर्ट में, न्यायालय में दाखिल करना, एडमिशन और पति को नोटिस। अब देखिए, उसके बाद जब ये पहली प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तो दूसरी जो प्रक्रिया आती है वो आती है प्रतिवादी को समन व तामील। यानी जैसा मैंने बताया कि पति को जो होता है जज साहब समन कर देते हैं, उसके बाद समन की तामील हो जाती है। यानी जब तामील का मतलब ये कि जब कोर्ट के द्वारा पति को नोटिस भेज दिया जाता है, पति उस नोटिस को प्राप्त कर लेता है या नोटिस को लेने से मना कर देता है, तो कोर्ट ये मान लेता है कि पति को जानकारी हो चुकी है कि उसके खिलाफ एक मुकदमा दायर है, तो इसे कहती है तामील। तो दूसरा चीज जो होता है वो तामील होता है। पहला तो एडमिशन हो गया, दूसरा समन और तामील हो गया, ये चीज समझ गए होंगे। अब देखिए, समन तामील हो जाने के बाद दो चीजें सामने आती हैं। पहला तो ये कि इस पति को पता चल गया, तो हो सकता है पति कोर्ट में आके हाजिर हो जाए और हो सकता है कि पति कोर्ट में आके हाजिर ही ना हो। तो पहले हम समझते हैं कि यदि समन तामील होने के बाद पति जो है कोर्ट में आके हाजिर नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। अब देखिए, समन तामील हो जाने के बाद जो पहली प्रक्रिया होती है उसमें ये होती है, जब पति नहीं आता है तो जज साहब ये एक पक्षी कार्यवाही का आदेश कर देते हैं। अब देखिए, एक पक्षी आदेश नहीं होता है, एक पक्षी कार्यवाही का आदेश कर देते हैं कि एक पक्षी कार्यवाही किया जाए, पत्नी से साक्ष्य लिए जाए, उसके आधार पर फैसला सुनाया जाएगा। अब देखिए, जब एक पक्षी कार्यवाही का आदेश हो जाता है, तो उससे आगे जो प्रोसेस आता है एक पक्षी साक्ष्य क्या आता है, इसमें पत्नी से साक्ष्य लेता है कोर्ट की, आपके साथ जो चीजें हुई हैं बताइए, क्या चीजें हुई हैं बताइए, अपने गवाह पेश करिए। उसके बाद जब पत्नी एक पक्षी साक्ष्य अपना पेश कर देती है, तो पति तो हाजिर होता नहीं है कि क्रॉस एग्जामिनेशन हो। उसके बाद बारी आ जाती है अंतिम बहस की, फाइनल आर्गूमेंट की, जिसमें जो पत्नी पक्ष के वकील होते हैं बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, ये चीजें निकल के आई है सामने, और पत्नी को इतना मेंटेनेंस दिया जाए।
उसके बाद एक पक्षी आदेश हो जाता है और वहीं पे ये केस खत्म होता है। अब एक पक्षी आदेश में जज साहब को लगता है कि मेंटेनेंस का ऑर्डर होना चाहिए तो वो मेंटेनेंस का ऑर्डर करते हैं, नहीं लगता है कि नहीं करना चाहिए तो वो केस को खारिज कर देते हैं। तो यही पहली प्रक्रिया चलती है जब पति को समन तामील होने के बाद वो नहीं आता है। तो अब दूसरी जो प्रक्रिया चलती है वो हम समझते हैं कि जब समन तामील होने के बाद पति हाजिर हो जाए। अब देखिए, जब पति हाजिर हो जाता है केस में, उसके बाद पति आके कोर्ट में हाजिर होके अपनी हाजिरी लगाता है, अपने वकील के माध्यम से हाजिर होता है और उसके बाद वकालतनामा लगता है, पति कोर्ट में बताता है कि मैं हाजिर हो चुका हूँ। उसके बाद देखिए, जो कोर्ट होता है पति को एक कॉपी दिलवा देता है केस की, उसके बाद फाइल को मीडिएशन में भेज दिया जाता है। तो अगली प्रक्रिया मीडिएशन की आती है, पति और पत्नी को मीडिएशन सेंटर भेजा जाता है, दो तीन बार मीडिएशन कराया जाता है, दोनों को समझाया जाता है, सुलह समझौते की कार्यवाही की जाती है कि विवाद है वो खत्म हो जाए, दोनों ठीक से रहना शुरू कर दे या हो सकता है डाइवोर्स लेके भी अलग हो जाए। तो जो भी चीजें हों, कोर्ट में मुकदमा चलाने से पहले एक मीडिएशन की कार्यवाही हो जाती है। जब मीडिएशन का रिपोर्ट आ जाता है उसके बाद फिर पति अपना जवाबदेही देता है, यानी जिसे आप सुने होंगे WS, रिटेन स्टेटमेंट। तो जो पत्नी एप्लीकेशन लगाई होती है, अपने आरोप लगाई होती है, उस संबंध में पति अपना जवाबदेही देता है, WS देता है कि झूठे आरोप हैं, मैं कुछ ऐसा नहीं किया हूँ, मैंने कभी नहीं मारा है, मैं इतना ज़्यादा नहीं इतना कम कमाता हूँ, पत्नी का केस खारिज कर दिया जाए। ये सारी बातें पति बताता है। अगर आप अपने केस की जवाबदेही मुझसे बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद देखिए, नंबर आता है साक्ष्य का, क्योंकि कोर्ट में बिना साक्ष्य के कुछ नहीं होता है। जैसा आपने देखा कि एक पक्षी कार्यवाही में भी साक्ष्य लिया गया, तो यहाँ तो दोनों पार्टी उपस्थित है तो साक्ष्य तो लिया ही जाएगा। उसके बाद देखिए, सबसे पहले ये केस पत्नी की है तो पत्नी अपने साक्ष्य देती है, गवाहों को पेश करती है, उनकी गवाही होती है। उसके बाद जो पति होते हैं, जब पत्नी गवाही अपने गवाहों की कराती है तो उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, यानी जिरह करते हैं। उसके बाद यही प्रक्रिया पति भी करते हैं, पति अपने गवाहों को पेश करते हैं और उनका जिरह पत्नी के वकील के द्वारा किया जाता है। यहाँ देखिए, एक चीज समझ लीजिए, पत्नी जो गवाही कराती है वो अपने वकील के माध्यम से किया जाता है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है वो पति के वकील के द्वारा किया जाता है। ऐसे ही पति जो होते हैं अपने गवाहों की गवाही वकील के माध्यम से अपने कराते हैं और क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है वो पत्नी के वकील के द्वारा किया जाता है। तो क्रॉस में क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है, पति के गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन पत्नी के वकील करेंगे, पत्नी के गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन पति करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, यदि आप किसी केस को जीतना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है, जो आरोप लग रहे हैं, जो सबूत दिए जा रहे हैं, आप उसे झूठा साबित कर दें। तो यदि क्रॉस एग्जामिनेशन अच्छे से किया जाता है, चीजों को सही से पेश किया जाता है, वकील अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, गवाहों को झूठा साबित कर देती हैं, तो आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। अब देखिए, ये जब चीजें हो जाती हैं उसके बाद नंबर आता है फाइनल आर्गुमेंट, यानी अंतिम बहस का। अब इसमें जो होता है, दोनों पार्टी जो होती है, पत्नी के वकील पति के वकील, अपनी अपनी बात कोर्ट के सामने रखते हैं कि ऐसी सारी चीजें सामने निकल के आई हैं, ये घटनाएं साबित हो रही हैं, ये घटनाएं साबित नहीं हो रही हैं। दोनों पार्टी अपनी अपनी बात जज साहब के सामने रखते हैं। उसके बाद जज साहब इन सारी चीजों को देखते हैं, अध्ययन करते हैं और एकाध दो दिन के अंदर निर्णय दे देते हैं, यानी अपना जजमेंट सुना देते हैं। जज साहब को लगता है कि मेंटेनेंस मिलना चाहिए तो मेंटेनेंस का ऑर्डर करते हैं, जज साहब को लगता है कि मेंटेनेंस केस खारिज हो जाना चाहिए, पत्नी जो है भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है, तो केस खारिज कर देती है। तो यही होती है पूरी प्रक्रिया, जो गाइडलाइन है, जो प्रोसेस है। अब इसे आप अच्छे से समझ चुके होंगे और आशा कर रहा हूँ समझने के बाद आप जान चुके होंगे कि कब मुझे क्या करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, और अगर आपके ऊपर झूठा मेंटेनेंस केस हुआ है तो आप अपना बचाव भी अब कर पाएंगे, समझ गए होंगे चीजों को। तो यदि आप ऐसी ही बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार इस किताब को बाय करके सारी चीजों का अध्ययन अच्छे से करें। मैं गारंटी लेता हूं कि एक बार पढ़ने के बाद आप अपने केस के बारे में काफी कुछ समझ जाएंगे, आपको कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा, फिर आपको किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आशा कर रहा हूँ जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।